हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सबका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2023 ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है फॉर द पेपर वन प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस ऑफ पेपर वन पढ़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी मैथमेटिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर किया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। अभी मैंने जो सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी है, दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर से, पूरे मैथमेटिकल रीजनिंग से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। सो मैथमेटिकल रीजनिंग का पूरा टॉपिक में अलॉन्ग विद द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द PYQs बताने वाली हूँ। दिस इज द सेशन नंबर वन। सो इफ यू हैवेंट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज प्लीज डू वॉच इट, ओके, ऑफ द कंप्लीट चैप्टर्स, ओके। सो यहाँ पे एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर वन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ने एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है। अगर आप दिसंबर 2023 का GRF टारगेट कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डेली लाइव लेक्चर्स जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। इसके अंदर आपको एजुकेटर अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलेंगे फुल सिलेबस नोट जो कि एक PDF फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। आप मोबाइल फोन से भी इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। 60+ मॉक टेस्ट, इन मॉक टेस्ट के द्वारा आप आपका प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते। साथ ही साथ दोस्तों, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। 2000+ MCQ का एक क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर आपको मिलेंगे PYQs अलॉन्ग विद द मोस्ट रिपीटेड एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ये काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है इस क्रूशियल टाइम में, लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम में एग्जाम रेलेवेंट प्रेपरेशन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक हैज बिन डिजाइंड इन सच अ वे कि आपका कम से कम समय में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। सो इसकी कंप्लीट फीस ऑफ द कंप्लीट कोर्स इज 4,500 rupees, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है। यू कैन एक्सेस द कंप्लीट कोर्स इन द कोर्स फीस ऑफ 3,600 rupees। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनरोलमेंट ऑफ कोर्स। इसके पहले अगर आप फ्री वीडियोज देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन के द्वारा भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बाद में माई कोर्सेस में आपको यहाँ पे कोर्स को सर्च करना है। कोर्स ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। साथ ही साथ कॉन्टेंट में जाने के बाद यहाँ पे फ्री डेमो वीडियोज के फोल्डर्स है जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं, और कुछ यूनिट वाइज फोल्डर्स है जिसके अंदर आपको मिलेंगे थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड MCQ लेक्चर्स, ओके। सो रिलीजियसली स्टार्टिंग टू एंड इस कम से कम समय में अपने कोर्स को फॉलो किया तो जरूर इसके अंदर आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा और गारंटेड सिलेक्शन भी, ओके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन, ये जो कि मार्च 2023 में पूछा गया है रिसेंट एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे देखना, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन ईयर 2020 वॉज ₹65,000 एंड इज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 45,000, जबकि 2021 में उसकी मंथली इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है 15% का और मंथली एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट हुआ 7% का, ठीक है। तो आपको पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है इन द ऑन द परसेंटेज टॉपिक, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि दो सिनेरियो है, एक तो 2020 का आपको बताया है, दूसरा जो है 2021 के अंदर इंक्रीमेंट का बताया है। सो अगर इनकम के बारे में बात की जाए, सो इनकम वॉज 65,000, राइट, इनकम वॉज 65,000 एंड द एक्सपेंडिचर वॉज 45,000। सो अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे सेविंग्स मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20,000, राइट। सो दिस इज फॉर द ईयर 2020, बट इन ईयर 2021 के अंदर क्या हुआ, इनकम जो था 65,000 जो था हमारा प्रीवियस, उसके अंदर 15% इंक्रीमेंट हुआ है, दैट इज इट मीन्स 15% ऑफ 65,000, मतलब 65,000 तो रहेगा ही, साथ ही साथ 15% उसके अंदर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपेंडिचर जो था हमारा पहले कितना था, 45,000, इन 45,000 के अंदर और 7% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 45,000 प्लस 7% ऑफ 45,000। ये करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद इनकम जो है, मैं थोड़ा रफली यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, 65,000 प्लस 15% को हम लिख सकते हैं 15/100 इंटू 65,000। सो यहाँ से 2 से 0 कट गया, दिस विल गिव मी 65,000 प्लस दिस विल गिव मी टोटल, दैट इज इक्वल टू 74750, दिस इज द इनकम। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेती हूँ। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर हमें निकालना है तो यस, 45,000 प्लस 7% को लिखेंगे हम 7/100 इंटू 45,000। सो यहाँ से 2 से 2 0 कट गया, 450 इंटू 7 कीजिए और प्लस 4,500, तो आपको मिल जाएगा इसके अंदर 48150। सो हमारे पास इनकम की वैल्यू आ गई, एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसके अंदर। जो हमारी न्यू इनकम है, इनकम न्यू
दैट इज़ इक्वल टू 74750, और एक्सपेंडिचर जो न्यू आया है हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 48150। अगर ये मैं माइनस कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा द न्यू सेविंग्स दैट इज़ इक्वल टू 26600। ठीक है, न्यू सेविंग्स हमारे पास है, हमारे पास ओल्ड सेविंग्स भी है। अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है यहाँ पे, तो हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू जो भी हमारा ओल्ड सेविंग्स है और हमारा न्यू सेविंग्स हमारे पास आया है, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज़ 26600 माइनस अगर मैं 20,000 कर दूँ डिवाइड बाय परसेंटेज। किसके बारे में बात की जा रही है, परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज के बारे में। पहले तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ, डिफरेंस कितना आया है 6600, राइट, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज, मतलब डिफरेंस आया, दिस इज नॉट द परसेंटेज इंक्रीज, दिस इज द डिफरेंस। और हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज है इसीलिए डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू जाएगी, अगर परसेंटेज डिक्रीज बोला था तो बड़ी वैल्यू जाती थी। ठीक है, सो ये दो से दो जीरो यहाँ पे कट गए, ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, सो 66 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 33% इज़ दी परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड दिस इज दी आंसर फॉर योर गिवन क्वेश्चन। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझनी थी कि किस तरीके से परसेंटेज निकालना है और साथ ही साथ इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रिलेशन पता होना चाहिए। बस जुलाई 2018 का एक क्वेश्चन है दोस्तों, अजय इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश, पॉइंटिंग टू ओल्ड मैन अजय सेड राकेश हु इज ही, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसको, देखना अभी, अजय फॉर एग्जांपल दिस इज अजय और ये दूसरा बंदा जो है यहाँ पे उसका नाम है राकेश। ओके, एक अजय ने एक बंदे को पॉइंट आउट किया, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, जो कि एक ओल्ड आदमी है जिसको मैं स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसी क्यों, क्योंकि एक मेल कैरेक्टर है इसीलिए मेल मेल, ठीक है, ओल्ड मैन बोला गया इसलिए मेल कैरेक्टर, ठीक है। सो अजय ने इस बंदे की ओर पॉइंट करते हुए बोला कि राकेश वो देख वो कौन है, राकेश हु इज़ ही, ओके, ये बंदा जो है स्क्वायर के अंदर का वो कौन है। तो राकेश ने बोला कि जो ये आदमी है हिज सन इज़ माई सन्स अंकल, हिज सन मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो आदमी है अननोन जिसके बारे में बात की जा रही है, इसको कंसिडर करूँ मैं एक्स, सो जो आदमी एक्स है हिज सन इसका बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये इसका बेटा हो गया, ओके, हिज सन इज माई सन्स अंकल, मतलब जो राकेश है ये तो बातें कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये जो आदमी है ये इसका बेटा, हिज सन इज माई सन्स अंकल, मतलब ये राकेश का सन हो गया, आर सन से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं इसको, ठीक है, हिज सन ये जो बेटा है एक्स का और राकेश का जो बेटा है, ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अंकल और हम बोल सकते हैं नेफ्यू का रिलेशन है, क्योंकि सन राकेश का सन और इस पर्सन का बेटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अंकल बोला है उन्होंने, मतलब ये पर्सन अगर अंकल है तो ऑब्वियसली ये पर्सन जो है राकेश का सन ये क्या रहेगा, इसका नेफ्यू रहेगा, अगर ये इसका नेफ्यू है इट मीन्स राकेश और इस एक्स वाले बेटे के बीच में ब्रदर का रिलेशन है, यस, अगर इन दोनों के बीच में ब्रदर का रिलेशन है तो इसके पिता अगर एक्स है तो इसके भी पिता एक्स ही रहेंगे, इसीलिए द ओल्ड मैन इज़ रिलेटेड टू राकेश एज फादर, ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं तो रेकमेंड करती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप हिंदी मीडियम में सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम खुद को खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उससे पहले पेपर टू का एक स्टडी मटेरियल ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है, जिसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स एंड हाईली एक्सपेक्टेड एंड एग्जाम रिलेवेंट MCQs। अगर पेपर टू का इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल फीस इज 1600 रुपीज, बट फिलहाल इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है, यू कैन एक्सेस दिस कंप्लीट कोर्स इन 1280 ओनली। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट करना है फॉर दी एनरोलमेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, अभी यह जो क्वेश्चन है नवंबर 2017 का मैंने ऑलरेडी लिया है, सो दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू एज एन होमवर्क। ठीक है, अगर मैंने अपने मेरी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज अगर वो देखी होगी तो उसके अंदर आपको ये पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। सो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो एक बार ही आप ट्राई कीजिए, इफ नहीं आया देन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताइए, मैं नेक्स्ट सेशन में जरूर इसको लूंगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। अभी इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड,
A woman said, his brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to Rakesh? जुलाई 2018 का क्वेश्चन है. देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है. ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड. मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक औरत है, हमें नहीं पता एक्स नाम की, ठीक है, और उसका एक हस्बैंड है वाई. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एक्स एंड हर हस्बैंड इज़ वाई, एंड बोथ आर मैरिड कपल. और मैरिड कपल को मैं यूजुअली डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे देखना दोस्तों, ये हो गई ये औरत एक्स नाम की, और जो वाई नाम का बंदा है उसका हस्बैंड है. सो राकेश, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, मतलब ये औरत इस हस्बैंड को बोल रही है कि मेरा दोस्त है. फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है राकेश. ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, दोस्त नहीं है, बट हम यूजुअली ऐसा कंसिडर करेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि राकेश और जो ये औरत है एक्स नाम की, इन दोनों में कुछ तो रिलेशन है. और ये जो एक्स नाम की औरत है उसके हस्बैंड को बोल रही है कि जो राकेश है ये कौन है, वो बता रही है. ठीक है, राकेश, ओके, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर राकेश, फॉर एग्जाम्पल दिस इज राकेश, राकेश का ये हो गया भाई. ठीक है, आर ब्रदर लिख देती हूँ मैं, राकेश ब्रदर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज राकेश, ये हो गया राकेश का भाई. ओके, हिज ब्रदर्स फादर, फादर मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर की जनरेशन में. ओके, मतलब राकेश के भाई के पिताजी, मतलब फादर एफ से रिप्रेजेंट करो तो ऊपर चले जाएंगे वो, मतलब पहले वाले जनरेशन में. ओके, His brother's father is the only son of my grandfather. मतलब क्या, देखना. For example, this is राकेश, ये हो गया राकेश का भाई, ये हो गए इसके पिताजी. ठीक है, और पिताजी के फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और एक लिख लेते हैं, और एक पिताजी, मतलब क्या, इनके ग्रैंडफादर. किन के ग्रैंडफादर? राकेश और राकेश के भाई के ग्रैंडफादर. ये हो गए राकेश के पिता, ये हो गए राकेश के ग्रैंडफादर. ओके, सो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हिज ब्रदर्स फादर, ऐसा रिलेट कीजिए, ब्रदर्स, राकेश ब्रदर्स फादर इज़ दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. मतलब ये जो औरत बोल रही है वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में बोल रही है. मतलब राकेश के ग्रैंड फादर और इस लड़की के ग्रैंड फादर आर गोइंग टू बी द सेम वन, राइट? सो इसीलिए राकेश के बीच में और इस लड़की के बीच में जो रिलेशन आने वाला है, हाउ इज़ दी वुमेन रिलेटेड टू राकेश, वो आएगी सिस्टर का. क्योंकि राकेश के भी ग्रैंड फादर और इस लड़की के भी ग्रैंड फादर सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे सिस्टर का रिलेशन आएगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. यहां पे देखना दोस्तों, टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:5. इफ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन द रेशो इज गोइंग टू बिकम 1:2. फाइंड द नंबर्स. ओके, सो यहां पे देखना दोस्तों, हम कंसिडर करेंगे, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 5x. ठीक है, अभी इन 2x और 5x में हमने 16 को ऐड किया, मतलब क्या, 2x प्लस 16 और 5x प्लस 16. रेशो क्या था हमारा, 2/5 था, राइट? इसको मैंने किस तरीके से ऐड किया, दोनों को कंसिडर किया 2x, इसको कंसिडर किया 5x, दोनों के अंदर मैंने 16 को ऐड किया. ऐड करने के बाद जो हमें अभी रेशो मिलने वाला है, दैट इज़ इक्वल टू 1:2. ये हमें रेशो यहाँ पे मिल रहा है, राइट? सो रेशो मिल रहा है 1:2. हमें ढूंढना है ये एग्जैक्ट नंबर्स क्या है. सो इसको कैसे सॉल्व करती हूँ देखना मैं. 2 × 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 1 × 5x प्लस 16. तो 5x प्लस 16 डायरेक्टली मैंने लिख लिया, इट्स विल गिव मी 4x प्लस 16 × 16 = 32. 5x प्लस 16, अगर मैं यहाँ ये 4x इधर दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, और ये 16 अगर मैं इस साइड लाऊँ तो 32 माइनस 16 हो जाएगा, राइट? सो दिस विल गिव मी, यहाँ पे लिखती हूँ, 16 इज इक्वल टू
ये था 4x, ओके. सो 16 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x मतलब x. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, राइट. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, बट नंबर्स क्या थे 2x और नंबर्स क्या थे 5x. सो x की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, 2 इंटू 16, 5 इंटू 16. सो आंसर आ जाएगा आपके पास 32 and 80. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन दिस इज फ्रॉम आई थिंक नवंबर 2017 के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया है. यहाँ पे मैं लिखना भूल गई. ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द मदर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ सी, ई इज मदर ऑफ डी. यहाँ पे देखना रिलेशन कैसे बिल्ड हो रहा है, जनरेशन वाइज रिलेशन बिल्ड हो रहा है. अभी देखना, ए इज सिस्टर ऑफ बी बोला है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, सिस्टर के लिए मैं यहाँ पे सर्कल लेती हूँ. ऑलवेज रिमेंबर, फीमेल के लिए मैं सर्कल लेती हूँ. अगर आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मेरे जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अगर वो देखे होंगे तो शायद आपको इजीली समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे देखना, ए इज सिस्टर ऑफ बी बोला गया है. ए और बी के बीच में शायद बहन बहन का नाता या फिर बहन भाई का है. बी का सेक्स कैरेक्टर हमें नहीं पता फिलहाल के लिए, ठीक है. बट एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, इसको साइड में लिखती हूँ. एफ इज अ डॉटर, किनकी डॉटर है, जी की डॉटर है. सो डॉटर है इसलिए मैंने इसको सर्कल में लिखा. और जी की डॉटर है, जी मे बी हर फादर, जी मे बी हर मदर, वी डोंट नो. सी इज मदर ऑफ बी, सी इज मदर, किनकी मदर है, बी की. मतलब सी आ जाएंगी ऊपर वाली जनरेशन में और बी चला जाएगा नीचे वाली जनरेशन में, ठीक है. हमारे पेरेंट्स भी ऊपर वाले जनरेशन को बिलोंग करते हैं, हम नीचे वाले, राइट. इस तरीके से सी इज़ दी मदर ऑफ बी, मदर है इसीलिए मैंने इसको सर्कल के फॉर्म में लिखा है. अगेन फीमेल कैरेक्टर. डी इज़ फादर ऑफ सी बोला है. डी कौन है, फादर है किनके, सी के. मतलब डी अगेन ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएंगे, डी यहाँ पे लिख लिया मैंने, ओके. एंड ई इज़ मदर ऑफ डी, अगेन हमें ऊपर जाना है, ओके. सो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो. ए बी, यहाँ पे सी, जिनकी बी की मम्मा है ये, ओके. सी के पिताजी है डी. यहाँ पे और एक इंट्रोडक्शन किया गया है, कौन सा, कि जो ई है मदर है किनकी, डी की. सो ई भी उसके ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएंगी, मदर इसलिए सर्कुलर शेप, ओके. नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. उसके पहले दोस्तों, तो एफ इज डॉटर ऑफ जी बोला है, एफ इज डॉटर ऑफ जी, ये स्टेटमेंट कोई हमें मायने ही नहीं रखता बिकॉज दिस इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं. और क्वेश्चन में जो पूछा है दैट इज ए और डी का रिलेशन पूछा है, ए का डी से नाता, ठीक है. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. सो देखना, डी के लिए ए कौन है, डी की बेटी, बेटी की बेटी, इट मीन शी इज गोइंग टू बी द ग्रैंड डॉटर, शी इज गोइंग टू बी द ग्रैंड डॉटर. सो ग्रैंड डॉटर इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. बट हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछा जाता, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना जी, मम्मी के पिताजी, ओके. दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दी क्वेश्चन, ओके. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सीरीज़ दोस्तों. इसके अंदर हमने सेशन वन के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखे. इस तरीके से मैं अलग अलग सेशंस लेकर आऊँगी रोज़ आपके लिए, ओके. 6 बजे का मेरा अपलोडिंग टाइम रहता है तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट. हैव अ ग्रेट डे एवरी वन. बाय.